मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है। जिसे कोई अद्वैत कहता है, आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सींचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे, ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कर्ण कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान, सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेताई दिसई धरनी गगन बीच, तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना, माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है, ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है।
उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी, बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे,